Thank you.
हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैं कोलंबी बनाने वाली हूँ, मतलब कोलंबी राइस बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने अच्छे से इसको वॉश करके लिया है और इसमें प्याज और दो बड़े टमाटो और हरी मिर्चियाँ डाली हैं और इसमें मैं अच्छे से भूनूंगी। और देखो अभी कलर चेंज हो गया और ये गरम मसाला है, मतलब कि लौंग दालचीनी जो होता है वो वाला है, और ये हल्दियाँ हैं। मतलब वो खड़े मसाला है, तो मैंने खड़े मसाला ऐसे ही नहीं डाले, मैं थोड़ा अलग तरीके से करती हूँ। अभी एक गरम मसाला ये ही है, दो है अलग तरीके, और फिर ये तमल पत्र जो होता है इसको क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में मुझे पता नहीं। और ये राइस है, मैं अच्छे से वॉश करके लिया है। देखो ये बासमती राइस है, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट। देखो मैंने 10 रुपए का पॉकेट था और एक डाला है मैंने अदरक लहसुन पेस्ट, और इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, और ये मैं जो प्रॉन्स थे, मतलब वो मैंने जो कोलंबी वॉश करके रखी थी उसमें मैंने हल्दिया और नींबू ऐसे करके 10 आधा घंटा के लिए रखा था मैंने। तो अभी देखो मैंने इसमें थोड़ा पानी, गरम पानी डाला है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ यार मेरे को सपोर्ट करो। वैसे भी मैं जो दूसरा चैनल, मतलब मिट्टी की वीडियो डालती हो तो येलो डॉलर हो जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ी ऐसी रेसिपी की वगैरह वीडियो डाल के मैं देखती हूँ कैसा होता है, और फिर मैं भी मिट्टी की भी वीडियो में डालने वाली हूँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, थोड़े दिन के बाद मेरा चैनल का। हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मैं कोलंबी बनाने वाली हूँ, मतलब कोलंबी राइस बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने अच्छे से इसको वॉश करके लिया है, और इसमें प्याज और दो बड़े टमाटो और हरी मिर्चियाँ डाली हैं, और इसमें मैं अच्छे से भूनूंगी। और देखो अभी कलर चेंज हो गया, और ये गरम मसाला है, मतलब कि लौंग दालचीनी जो होता है वो वाला है, और ये हल्दियाँ हैं। मतलब वो खड़े मसाला है, तो मैंने खड़े मसाला ऐसे ही नहीं डाले, मैं थोड़ा अलग तरीके से करती हूँ। अभी एक गरम मसाला ये ही है, दो है अलग तरीके, और फिर ये तमल पत्र जो होता है इसको क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में मुझे पता नहीं। और ये राइस है, मैं अच्छे से वॉश करके लिया है। देखो ये बासमती राइस है, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन पेस्ट। देखो मैंने 10 रुपए का पॉकेट था और एक डाला है मैंने अदरक लहसुन पेस्ट, और इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, और ये मैं जो प्रॉन्स थे, मतलब वो मैंने जो कोलंबी वॉश करके रखी थी उसमें मैंने हल्दिया और नींबू ऐसे करके 10 आधा घंटा के लिए रखा था मैंने। तो अभी देखो मैंने इसमें थोड़ा पानी, गरम पानी डाला है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ यार मेरे को सपोर्ट करो। वैसे भी मैं जो दूसरा चैनल, मतलब
मिट्टी की वड़े वो डालती हो तो येलो डॉलर हो जाता है। तो मैंने सोचा थोड़े ऐसी रेसिपी की वगैरह वीडियो डाल के मैं देखती हूँ कैसा होता है, और फिर मैं भी मिट्टी की भी वीडियो में डालने वाली हूँ, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, थोड़े दिन के बाद। मेरा चैनल का